खुदाबंदी है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए। तलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगा जनाब मोहतरम बाबर अली दीवाना साहब को कि वो आएँ और तलावत कलाम पाक से हमारी रूहों को मुनव्वर फरमाएं। बाबर अली दीवाना, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم। जज़ाकअल्लाह माशाल्लाह। ज़िक्र खुदा करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। शौर आदमियत नाज कर उस ज़ात अक़दस पे, शौर आदमियत नाज कर उस ज़ात अक़दस पे, फ़ख्र की बात है तेरे लिए मोहम्मद का बशर होना। तो नाते रसूल मकबूल के लिए मैं दावत दूंगा एक दफ़ा फिर बाबर अली दीवाना साहब को कि वो आएँ और बारगाह रसालत में गुलदस्ता अकीदत पेश करें। बाबर अली दीवाना सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि का या हबीब अल्लाह। ओ सब दी बिगड़ी बनांदा मदीने वाला सोना, ओ सब दी बिगड़ी बनांदा मदीने वाला सोना, ओ सब दी बिगड़ी बनांदा मदीने वाला सोना, ओ दुखिया नू गल नाले लांदा मदीने वाला सोना, ओ दुखिया नू गल नाले लांदा मदीने वाला सोना। जिथे जबरील ना जावे, ओ जिथे कोई पैर न पावे, जिथे जबरील न जावे, ओ जिथे कोई पैर न पावे, उथे भी जांदा ते आंदा मदीने वाला सोना, उथे भी जांदा ते आंदा मदीने वाला सोना, उथे भी जांदा ते आउंदा मदीने वाला सोना, ओ सब दे पाग जगांदा मदीने वाला सोना। जेड़े डिग पेंदे ने थले जिन्हां नू कोई न चले, ओ जेड़े डिग पेंदे ने थले जिन्हां नू कोई न चले, उन्हां नू भी गल नाले लांदा मदीने वाला सोना, उन्हां नू भी गल नाले लांदा मदीने वाला सोना, उन्हां नू भी गल नाल लांदा मदीने वाला सोना, ओ सब दी बिगड़ी बनांदा मदीने वाला सोना, ओ सब दे दुख मकांदा मदीने वाला सोना। माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह जी। अता देखी तो रब्बे जुल जलाल की, अता देखी तो रब्बे जुल जलाल की, वरना कौन देता है किसी को महबूब अपना।
ये थे बाबर अली दीवाना साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज से हदिया नात पेश कर रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम के पाकीज़ा और मुतबर्रक नाम से इस बज़म का आगाज़ हुआ चाहता है। आज की तकरीब जो इस हाल की दूसरी तकरीब है, पहली आप समात फरमा के आ रहे हैं, अभी ये भी उसी पाए की तकरीब है कि आज फैसलाबाद में पहले दो तीन, मैं थोड़ा सा इसका तारफ करवाता चलूं कि पहले दो तीन फिल्में फैसलाबाद में बन चुकी हैं जो सेंसर बोर्ड लाहौर से पास होके पाकिस्तान के सिनेमा की जीनत बन चुकी हैं। ये बहुत मुश्किल काम होता है, हम इसमें शामिल हाल रहे हैं। कुछ लोगों ने शमूलियत बिल माल भी किया, कुछ ने शमूलियत बिल नफ्स भी किया, तो बखूबी जानते हैं, बहुत बहुत ही मुश्किल काम है ये। जितना कहूँ आप सब जानते हैं, फनकार यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, बहुत मुश्किल काम है ये। टारगेट अचीव करना कोई आसान नहीं है, कह देना आसान है, फिल्म का बोर्ड लगा देना या कह देना बहुत आसान है, लेकिन इसको पाया तकमील तक लेके जाना और तमाम मराहल से गुजर के उस नुक्ते तक लेके जाना, नुक्ता अंजाम तक, बहुत मुश्किल काम है। एक आदमी शख्सियत थी जिसका मैं जिक्र करना इस फिल्म के हवाले से बहुत लाजमी समझता हूँ कि जिसने फैसलाबाद में दो फिल्में बनाई और दोनों सेंसर बोर्ड से पास करवा के सिनेमे में लगवाई और हमें भी छोटा मोटा रोल करने का मौका उन्होंने फराहम किया, उनके लिए भरपूर तालियां। आसफ रजा आसफ साहब, उसके पहले हमारे साथ शाहद मलिक साहब ने भी एक फिल्म बनाई थी, वो तकरीबन पाइपलाइन में ही थी, जो कुछ नामुसाद हालात की वजह से या कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो फिल्म, लेकिन उन्होंने भी बड़ी खूबसूरत और अच्छी कावश की थी। तो आज जिस फिल्म के लिए यहाँ पे तमाम दोस्तों को जहमत दी गई है, मधु किया गया है, उस फिल्म का नाम है लाडो रानी। पहले लाडो रानी टाइटल के लिए तालियां। ये काविश, ये मेहनत और ये लगन, ये जस्तजू, ये स्ट्रगल जिस शख्सियत ने शुरू की है, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। और मुझे उम्मीद है, कभी उम्मीद है मुझे, बड़ी स्ट्रॉन्गली मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आसफ रजा आसफ साहब के बाद अगर कोई शख्सियत फैसलाबाद में दूसरी फिल्म बनाने जा रही है, और मैं पूरी उम्मीद हूँ, होपफुल हूँ कि वो इंशाल्लाह कामयाब भी होंगी, वो शख्सियत सिर्फ साबर अशरफ साहब हैं। साबर अशरफ साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं, उनका तारफ आप सब जानते हैं, कितना बड़ा कद है उनका फ़न के हवाले से। तो ये जो फिल्म इन्होंने शुरू की है, मुझे उम्मीद है कि ये अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेगी, और तमाम दोस्तों की मोहब्बत और उनकी दुआएं और उनका तावन इस फिल्म की कामयाबी की जमानत होगा। साबर अशरफ साहब के लिए भरपूर तालियां जी। जैसा कि आपको मैंने अर्ज किया है कि फिल्म का टाइटल है लाडो रानी, और इसकी तहरीर रिटन किया है जो जिन्होंने इस फिल्म को लिखा है, शहबाज रशीद नासर साहब, भरपूर तालियां यार। इंज नहीं एंज नहीं, पिछों नहीं आ रही तालियां, शहबाज रशीद नासर, पता क्या बात है। बात यह होती है कि आप ये आप जैसे लोगों से सुने हुए जुमले ही आपको सुना रहे हैं हम, ये आपका सबक है जो आपको सुना रहे हैं, ये मैंने कुछ भी नहीं, खुद से नहीं कुछ भी किया कुछ भी नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि तालियों में खयानत नहीं करनी, जितनी बड़ी शख्सियत है, जितना बड़ा कद है, उतनी बड़ी तालियां होनी चाहिए। ऐ देखो उतो भी गुवाही आ गई है, अगले घर तो वड्डे घर तो भी गुवाही आ गई। तो फिल्म लाडो रानी, तहरीर शहबाज रशीद नासर साहब, हदायतकार साबर अशरफ।
क्या कहने, क्या बात है, अच्छी गल है। अच्छा जी, इसके प्रोड्यूसर हैं जो आप बखूबी तमाम फनकार जानते हैं कि प्रोड्यूसर का काम भी बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मेहनत वाला होता है, फाइनेंशियली भी उसने सपोर्ट करना होता है, पूरी टीम पे नज़र भी रखनी होती है, पूरे सिस्टम को मैनेज भी करना होता है, ये कोई आसान काम नहीं है। ड्रामा और चीज़ है, फिल्म बिल्कुल मुख्तलफ डिफरेंट एक स्केल का काम है, बहुत बड़ा काम है ये। इसको जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे प्रोड्यूसर हैं फैसलाबाद के, बहुत बड़ा नाम है, शेख एहसान। शेख एहसान साहब जी, उसके साथ साबर अशरफ, इसकी फिल्म की जो वन लाइन है, जो स्टोरी है, वो तो अकाबरीन राइटर हैं जो वो बखूबी आपको आगाह करेंगे। थोड़ा सा मैं दो दो मिनट, क्योंकि कुछ दोस्त हैं थोड़ा सा ऊपर, हाँ मैं वही दस फिल्म का तुम दस। इस फिल्म का टाइटल रोल जो है, जो आप देख रहे हैं, लाडो रानी एक फीमेल करेक्टर है जिसके इर्द गिर्द पूरी फिल्म घूमती है, जिसके इर्द गिर्द ही फिल्म बनी हुई है, वो टाइटल रोल है लाडो रानी का, मैडम जरी। उसके बाद ये चार भाई हैं ऊपर फिल्म के, जो आप जिनकी तस्वीरें मुलाजा फरमा रहे हैं, राणा इमरान, राणा इमरान साहब वो टाइटल रोल कर रहे हैं इस फिल्म में, और उनके साथ हैं फैसलाबाद का नाम अली जान बट्टी। और उसके बाद साबर अशरफ, बहुत प्यारे आर्टिस्ट, हमारे छोटे भाई अकबर बादशाह। और इसका जो लाडो रानी है, उसके बाप का किरदार, जिसके इर्द गिर्द पूरी फिल्म का महवर है, जो मरकज है इस फिल्म का, सतून है जो इस फिल्म का, हमारे बहुत प्यारे आर्टिस्ट अरशाद कमाल। तो मैं एक एक दो दो मिनट, ज्यादा देर दोस्तों के दरमियान हाजिर नहीं रहूंगा, क्योंकि ड्रामे की मसरूफियत भी है और निजी मसरूफियात भी होंगी दोस्तों की। तो मैं, डॉक्टर अजहर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, काफ ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के चेयरमैन हैं, वो चीफ हैं, उनका बहुत मशकूर हूँ। शेख एहसान साहब और जितने भी दोस्त हैं, बाबा, सभी हमारे मेहमान खुसूसी हैं, सभी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, तमाम के तमाम हमारे मेहमान हैं, जो जो भी यहाँ पे पिछली सीटों पे बैठा है, जो आगे वाली सीटों पे बैठे हैं, सभी हमारे मेहमान हैं। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। दो दो अल्फाज जो इस फिल्म से वाबस्ता लोग हैं, उनके कमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले मैं दावत दूंगा शहबाज रशीद नासिर साहब से, जिन्होंने इस फिल्म को लिखा है, कि वो आए अपने ख्याल का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, इतने इकट्ठे हुए हैं तकसीमें स्क्रिप्ट वास्ते, जी जी, तो मेरा ख्याल है तकरीब का बाकायदा आगाज कर देना चाहिए है। तो फिल्म के हवाले के नाल मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि असी अगर कहानी दसती तो जरा सिलसिलेकार है ना, एक सस्पेंस वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये साढ़े लिए आजाज की गल है कि असी एक वक्त साथ सुन रहे कि मुल्तान वाले जो लोकल फिल्म बना के बहुत ना मार्केट कढ़ रहे हैं, तो असं सोच रहे कि यार कोई फैसलाबाद से भी कोई यहोजा कोई सिलसिलेकार होना चाहिए वा, जिस शाह जमाल साहब ने दसिया आसफ भाई ने दो तीन फिल्मा शुरू की, तो इन तो बाद एक क्रैडिट अपना साबर अशरफ साहब को जा रहा है, जेडे इस ड्रामे के प्रोड्यूसर भी, सॉरी, इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी ने, ते इधर विच रोल भी बकायदा वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं दावा दवांगा जनाब डॉक्टर अशरफ साहब न कि आने बकायदा
तकसीम स्क्रिप्ट जरा है ना करैक्टर का अभी देने शुरू कर दी। हाँ जी हाँ जी 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 पहले इस ड्रामे में इस फिल्म में ओ भाई फारक करो बेचन ना लग पे पता नहीं है। इस फिल्म में टाइटल रोल किया जो आप मुलाजा फरमा रहे हैं लाडो रानी के वालिद का करदार बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट बहुत सीनियर आर्टिस्ट हमारे हमें भी काफ़ी दफ़ा मौका मिला इनसे काम करने का बहुत कुछ सीखा इनसे मोस्ट सीनियर एक्टर फैसलाबाद अरशाद कमाल तस्वीर ला उसके बाद इस फिल्म में हमारे लाहौर से आए हुए फनकार दोस्त मोजज़ इस फिल्म का टाइटल रोल कर रहे हैं आपकी भरपूर तालियों में राणा इमरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकता। सब तो पहले सारे दोस्तों मेरी तरफों सलाम है। फिल्मा मेरिया बहुत रिलीज़ हुई ने माशाल्लाह। लास्ट टाइम मेरी फिल्म भाई पुत्र गुंडे का जिद्दी राणा माशाल्लाह काफ़ी मैं काम किया है। लेकिन फैसलाबाद जी मैं इज्जत मिली ना मैं वो लफ्ज़ बयान नहीं कर सकता कि जो मैं लाहौर च बहुत काम किया मैं माशाल्लाह सुपरस्टारा के नाल मेरी फिल्मा रिलीज़ ने अजे और जो साबर भाई की मैंने कॉल आई है तो मैं इन्ना खुश होया ना मैं तुहानू वो बयान नहीं कर सकना यकीन करो कि मैं फैसलाबाद की फिल्म कर रहा इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हां नू कामयाब करे तो जितों तक साडी कोशिश हैगी है तो असी अपना पूरा ईमानदारी नाल काम करके तैनू मंजिले मकसूद तक पहुँचा। एक और बेटे का किरदार बहुत खूबसूरत फनकार बहुत अच्छा इंसान अकबर बादशाह इस फिल्म के प्रोड्यूसर बहुत बड़ा नाम फैसलाबाद का शेख एहसान भरपूर तालियां शेख साहब के लिए जी। इस फिल्म के टाइटल रोल सभी टाइटल हैं लेकिन कुछ करैक्टर ऐसे होते हैं किरदार ऐसे होते हैं जो जान होती है फिल्म की या ड्रामे की वही एक किरदार इस फिल्म का जिसकी वजह से यह फिल्म है टाइटल ऑफ द मूवी मैडम जरी भरपूर तालियां। इधर आओ शेख साहब तुम पीछे इधर इधर मैडम इधर तस्वीर ला लें तस्वीर ला ये जो फिल्म है मैं थोड़ा सा भूल गया था अर्ज करता चलूं ये फिल्म बर्क एसोसिएशन रजिस्टर्ड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बन रही है बर्क एसोसिएशन के लिए तालियां। तो मैं गुजारिश करूंगा मैडम जरी से कि वो चंद कलमात इस फिल्म के बारे में जी इधर आ
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई है और बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि हमारे फैसलाबाद से इतनी बड़ी फिल्म रिलीज़ होने जा रही है, और उससे ज़्यादा थैंक यू हम करेंगे अपने एहसान साहब का जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उसके बाद हमारे डायरेक्टर हैं साबर अशरफ साहब और शहबाज़ रशीद साहब, जिन्होंने ये इतना बड़ा हौसला किया और हम सबको हौसला दिया है। इंशाल्लाह बहुत दिल लगा के काम करेंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होगी, पूरी जान लगा देंगे। थैंक यू। बहुत मेहरबानी मैडम जरी। उसके बाद आखिर पे आखिर में मैं उस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूं। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, आपकी भरपूर तालियों में राइटर डायरेक्टर एक्टर प्रोड्यूसर मोहतरम साबर अशरफ। पुरानिया का कर दी दो कर देंगे आप। बहुत शुक्रिया जी सब दोस्तों का जिन्होंने इस नाचीज को इज्जत दी और अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर साबर अशरफ के इवेंट को अपना इवेंट समझा। ये फिल्म जो लाडो रानी पे, ये मेरी फिल्म नहीं है, ये आप लोगों की फिल्म है, पूरे फैसलाबाद की फिल्म है, और इंशाल्लाह ताला हम ऐसी फिल्म बनाएंगे कि लाहौर वाले कहेंगे कि फैसलाबाद इज़ द बेस्ट। बहुत ये जैसा कि शिवारशी साहब ने हमें बताया आपको कि स्टोरी नहीं हम ओपन करना चाहते, लेकिन ये बहुत अच्छी स्टोरी है। शबाज साहब ने रात दिन एक करके इसको लिखा है। आसिफ रजा आसिफ साहब का बहुत बड़ा हाथ है इस फिल्म में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनको यहाँ पे नहीं बुला सके हम या उन्होंने इस इवेंट को मिस किया है, उन सबको एक बार फिर कहूंगा ये वीडियो के जरिए कि आप लोग इस फिल्म को अपनी फिल्म समझें और दिल से मेहनत करें। इंशाल्लाह ताला लाडो रानी सिल्वर जुबली नहीं बल्कि गोल्डन जुबली करेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। तो आखिर पे मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ जिसका सबका एक्सपीरियंस भी है फिल्म बनाने का, अगर उसको मैं दावत ना दूँ तो ये बज़म अधूरी रह जाएगी, ये तकरीब अधूरी रह जाएगी। आपकी भरपूर तालियों में फाउंडिंग फादर बर्क एसोसिएशन रजिस्टर पाकिस्तान आसफ रजा आसफ। फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत डिफिकल्ट एक्सपीरियंस है, ये हमारे साथ शेयर करेंगे आसिफ रजा आसिफ साहब, क्योंकि ये पहले दो मूवीज फैसलाबाद में बना के सिनेमे की जीनत कर चुके हैं। तो आसिफ साहब फिल्म के बारे में और साहब का एक्सपीरियंस के बारे में आप क्या फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं दुआगो हाँ साबर अशरफ साहब वास्ते जिन्होंने ये मुश्किल तरीन काम शुरू किया। फिल्म एक बड़े बड़े सब्जेक्ट का नाम आ, सब तो पहले मरकजी ख्याल मकालमान भी सी राइटिंग, उस तो बाद जो कलम और करतास के जरिए जो तखलीकार के दिन कंसैप्ट है वह मुंतकिल हो जाता सफात के उत्ते, उस तो बाद मंदरे आम से एक शख्सियत आती जिन्होंने डायरेक्टर कहा जाता, उन्हें तमाम एक्टर के बीच उस कहानी जाहिर करना, उस तो बाद पिक्चराइजेशन होंगी, पिक्चराइजेशन तो बाद ज सब तो इंतहाई औखा तरीन काम आ एडिटिंग, जरा मेरा ख्याल फैसलाबाद गालबन एक दो बंद जानते हो गए, यह एक अद्धा बंदा जानता होगा या एक ही जानता होगा। मैं अशफाक चौधरी साहब को गया अपनी फिल्म सेंसर कराने के बारे, तो उत्थे ट्रेलर बना के लै गया। अशफाक साहब ने देखा जो दोस्त लाहौर तो बिलोंग करते हैं जानते हो गए, एडिटिंग देख के उन्हें मैंने ये कहा कि यार तू इंज करके फैसलाबाद तो छड़ देते इतने मेरे को लाहौर ही आया, तेरा मैं शौक भी पूरा करा वड्डे अदाकारां दे नाल काम करन दा, तैनूं मैं माकूल मुआवजा भी देंगा। मैं सोचा कि यार ये काम तो सारे ने किया वा,
कि लाहौरों फैसलाबाद तो जो भी टैलेंट और लाहौर आ गया, नसीम विक्की साहब गया, जिगर दोस्त गए और लाहौर से होकर रह गए। मैं उस संगलाख जमीन के उत्ते फिल्म का बीज बोवांगा और इंशाल्लाह हौलदी आने वाले वक्तों के उ फिल्मों के शजर उगण गए। मेरे वास्ते एक क्रेडिट नहीं कि लोग कहे फैसलाबाद के एक ही डॉक्टर आ जिसका नाम आसफ रजा आसफ, बल्कि मेरे वास्ते क्रेडिट की गल यह आ कि आने वाले वक्त लोग कहन के यार बहुत डॉक्टर आ लेकिन काम आसफ ने शुरू किया। बाकी इस गल के नाल मैं अपनी गल का इख्तिताम करांगा। फिल्म शुरू हो गई आ, इतने हर बंदा ही फिल्म आ, फिल्म नाकाम नहीं होंगी। आओ सब दोस्तों अस्सलाम वालेकुम जी। असलम लोहार फैसलाबाद की पैदावार के दिला छड़ दे मकर फरेबा नू बूहा मल ला के सच्चियां दा, दिला छड़ दे मकर फरेबा नू बूहा मल ला के सच्चियां दा, जड़ा इश्क फराक विच सड़िया नहीं पता उनू की भांबड़ मचियां दा। इको गल मेरी जे तू मन लवे पल्ला छड़ दे बेलियां कच्चियां दा, अरशी फरशी भी उनू सलाम कर दे जड़ा खादम है अली दे बच्चियां दा। नारा हैदरी जय अली, मारो नारा या अली दा, या अली दा रब दे वली दा, मारो नारा या अली दा, या अली दा रब दे वली दा। कहिंदा मुर्शद लाल सोहना, कहिंदा मुर्शद लाल सोहना, सग है जेड़ा अली दी गली दा, मारो नारा या अली दा, या अली दा रब दे वली दा। हक नू मनना सच नू मनना, पाक पंज तन दे मुनकर ना बनना, हक नू मनना सच नू मनना, पाक पंज तन दे मुनकर ना बनना, किसे भी एथे बैली रहना, दुनिया मेला है चलो चली दा। मारो नारा या अली दा, या अली दा रब दे वली दा। एहो ताजे इन माए मौला हैदर मुश्किल कुशाए, एहो ताजे इन माए मौला हैदर मुश्किल कुशाए, मुश्किलां चो लंघ जाना, मुश्किलां चो लंघ जाना, नाम लेके शेरे जलीदा। मारो नारा या अलीदा, या अलीदा हो रब दे वलीदा। हो बहुत शुक्र अल्लाह ताला तुहाडी फिल्म नू कामयाबी देवे मौला पंतर पार। सच्चा ते सुचा काम होना चाहिए। नारा हैदरी जुलेला जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में, जहाँ के एक पंजाबी मूवी लाडो रानी के नाम से शुरू की जा रही है। उनकी जो मरकजी हीरोइन है जो लाडो रानी का किरदार कर रही है, इस वक्त हमारे साथ हैं, तो आए हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैडम कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप काफ़ी अरसे के बाद आए हैं दोबारा शोबिज में, तो आते ही आपने बहुत बड़ा धमाका कर दिया कि आपने फिल्म साइन कर दी। जी मैं 2 साल के बाद वापस आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आते ही ये बड़ा मेरे लिए खुशी का एजाज़ है कि मुझे फिल्म के लिए सिलेक्ट किया गया, और मुझे बड़ी खुशी है। और मैं थैंक यू कहूँगी उन सब से जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, जैसे कि हमारे डायरेक्टर साहब हैं साबर अशरफ साहब, उन्होंने, और एहसान साहब हैं हमारे प्रोड्यूसर, उन्होंने, और सब ने इतनी मोहब्बत और इतना प्यार दिया कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है वापस आके। तो मैडम ये बताएंगे कि आप इस फिल्म में कौन सा रोल कर रही हैं, कैसा है या इस फिल्म की यानी कि स्टोरी क्या है? जी अभी सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि ये जहेज़ पे फिल्म बनाई जा रही है, और बेटी का मैं किरदार कर रही हूँ इसमें जो लाडो रानी है, और ये हमारी फिल्म की स्टोरी बहुत ही अच्छी और बड़ी मज़े की है। जब आप सब देखेंगे आप सब कहेंगे कि बिल्कुल ये ऐसा ही होना चाहिए। बस स्टोरी ज्यादा नहीं बता सकते क्योंकि वो एक ना अभी तक यही रहे सबके दिलों में कि पता नहीं क्या है क्या है। जी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जो मरकजी किरदार है वो कर रही है, क्या वो अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कर रही है या मकसद के डायरेक्टर साहब की डिमांड आप पे थी? नहीं मेरी मर्जी इसमें कोई भी नहीं है, ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने ही सिलेक्ट किया था और उन्होंने कहा था कि हम आपसे ये रोल करवाएंगे लाडो रानी का। इसमें हमारी कोई भी मर्जी नहीं है, ना ही कोई नाम सिलेक्ट करने में, ना ही कोई मतलब कोई किरदार सिलेक्ट करने के लिए। जी तो आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की, तो क्या आप इस फिल्म से क्या उम्मीद रखती हैं?
मैं ये उम्मीद रखती हूँ और मुझे यकीन है इंशाल्लाह हमारी मूवी बहुत ही अच्छी साबित होगी पूरे पाकिस्तान के लिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि फैसलाबाद से इतना बड़ा काम शुरू हो रहा है, हमारे फैसलाबाद से इतनी बड़ी मूवी रिलीज होने जा रही है और पूरी टीम बड़ी कोशिश कर रही है, बड़ी मेहनत कर रही है और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी जाएगी मूवी। जी बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ साथ ही जी लाडो रानी की जो मरकजी हीरोइन है मैडम जरी, तो इसके बाद हम इसके जो मरकजी किरदार कर रहे हैं हीरो के वो लाहौर से हैं हमारे राणा इमरान साहब, तो हम उनसे बात करते हैं कि वो माशाल्लाह लाहौर में काफ़ी फिल्में कर चुके हैं तो आज वो पहली मरतबा फैसलाबाद में भी आए हैं, तो उनसे बात करते हैं। आए चलें जी इमरान जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप सुनाए सब? सर आपने माशाल्लाह पता चला लाहौर में काफ़ी फिल्में की हैं पहले भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया, और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ये सुनकर आए मुझे कवरेज करने के लिए, यार मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका और थैंक यू, शुक्रिया। तो आपने ये लाहौर माशाल्लाह बहुत बड़ा शहर है जबकि वो फिल्मों का एक बेताज बादशाह है, तो आपने फैसलाबाद की फिल्म करने का कैसे इरादा कर लिया? ये माशाल्लाह साबर अशरफ साहब हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे वाले बंदे हैं, इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट जब बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये डिफरेंट है। और फैसलाबाद आकर मैं इतना खुश हूँ कि इतनी इज्जत मुझे मिली, इतना प्यार मिला कि मैं वो अल्फाज नहीं बयान कर सकता कि बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह, इधर इतना क्राउड है, इतने बंदे हैं और ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, डिफरेंट है, स्टोरी बोल्ड है लाडो रानी फिल्म का जो सब्जेक्ट है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको कामयाब करे, ये हिट होगा फैसलाबाद का स्क्रिप्ट जो है। जी बिल्कुल ठीक, तो आप ये इस फिल्म से क्या उम्मीद रखते हैं? इंशाल्लाह हमारी हर फिल्म पे उम्मीद होती है लेकिन इंशाल्लाह आस्ता आस्ता वक्त गुजर जाएगा और बदल जाएगा इंशाल्लाह, पब्लिक आएगी सिनेमाघरों में। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, स्टोरी बोल्ड फिल्म है, ये जो होता है ना एक्शन वगैरह गोलियां चला रही हैं, ये गाने होते हैं जो वर्ग गाने, ये कुछ नहीं इसमें, इसमें स्टोरी बोल्ड है फिल्म, ये लोग इंशाल्लाह फैमिलियों के साथ देखने के लिए आएंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया राणा इमरान साहब, उन्होंने बताया कि ये एक घरेलू मूवी है जो कि लोग फैमिलियों में के साथ आके देख सकते हैं, तो अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उनसे बात करते हैं, तो वो साबर अशरफ साहब इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। जी तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाडो रानी जो पंजाबी मूवी है उसके डायरेक्टर साबर अशरफ साहब जी। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया रियाज साहब, 99 वालों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे इवेंट को कवरेज दी। और ये जो फिल्म है लाडो रानी, इंशाल्लाह ये एक घरेलू फिल्म है, ये बड़ा टॉपिक जेएस का टॉपिक है जी, और टोटल जो है सब्जेक्ट जो भी स्टोरी में ओपन नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत प्यारी मूवी है फैसलाबाद वालों के लिए, ये तोहफा है और पूरे पाकिस्तान के लिए ये तोहफा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत प्यारी मूवी जाएगी। जी बिल्कुल साहब, ऐसे ही है कि मैं तो यकदम हैरान हो गया हूँ कि माशाल्लाह आप स्टेज ड्रामे के डायरेक्टर हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन स्टेज और फिल्म में बहुत ज़्यादा फर्क है, तो आपने बहुत हौसला किया और बहुत दिलेरी का मुजाहरा किया कि आपने स्टेज करते करते एकदम एक मूवी लॉन्च की जो लाडो रानी है, तो क्या इसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा आपका? रियासत असल मेरी आदत है शुरू से मैं चैलेंज लेता हूँ, कोई काम भी करना होता है मैं चैलेंज समझ के करता हूँ। मैं आपको पता है कि वेब पे बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे चैनल है वेब, यहाँ पे मैं शॉर्ट ड्रामे शॉर्ट मूवी बनाता हूँ, और वैसे भी मुझे एक दो पश्तो फिल्में मैंने की हैं, मैं उनका नाम नहीं बता सकता, मेरे रोल अच्छे नहीं थे उनमें, तो मुझे कैमरे का जो है ना वो मुझे पता है, कोई लाइट सा कुछ आप लोग हैं मेरे साथ सीनियर है सभी, तो इंशाल्लाह ताला मैं इस चैलेंज को भी अबूर करने में कामयाब हो जाऊंगा इंशाल्लाह। आमीन जी आमीन। तो आप क्या कहते हैं कि अपनी फिल्म से कितनी उम्मीदें हैं, क्या आप क्या सोचते हैं कि कैसा होगा ये? रियाज साहब कोशिश तो यही है कि अच्छी फिल्म बने, अच्छी मूवी बने और लोगों को पसंद आए, तो यही कोशिश है मेरी, और जब ये कंप्लीट होगी तो इंशाल्लाह ताला ये फैसलाबाद वाले क्या पूरा पाकिस्तान कहेगा कि वेरी गुड, ये बहुत प्यारी मूवी है और आपको भी मजा आएगा इंशाल्लाह ताला, और मेरी कोशिश है कि बड़ी ईद पर लगाएं, ये सबसे बड़ा सरप्राइज है आपके लिए। वेरी गुड वेरी गुड। ये 4 महीने है मेरे पास, ये जितने भी दोस्त मेरे सुन रहे हैं, ये 14-15 लाख में बड़े महदूद से बजट में मैं बनाने जा रहा हूँ फिल्म, फिल्म पे तो लाखों रुपया लगता है लेकिन मेरा बजट जो है वो 15-16 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, अगर थोड़ा सा ज्यादा 20 लाख तक चला जाएगा, लेकिन इस 15-20 लाख में मैं एक बेहतरीन मूवी दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ये 15-20 लाख जो है वो करोड़ रुपया नजर आए, तो मेरे यही फनकार होंगे और यही फिल्म होगी और आपके सामने गोल्डन जुबली करेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। तो इस फिल्म के हवाले से
आवाम को कोई पैगाम देना चाहें या कोई मैसेज? जी, रियासत आवाम से यही है कि हम लोगों ने बड़ी मेहनत से ये फिल्म शुरू की है और बहुत एफर्ट है हमारी इस फिल्म पे, और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जब ये फिल्म लगे बड़ी ईद पे आप सभी लोग देखने आए। टेलर रिलीज होगा छोटी ईद पे इंशाल्लाह ताला। और इस फिल्म के जो हीरो हैं मैंने वो लाहौर से हायर किया है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं राणा इमरान साहब, पुत्र गुंडे का फिल्म बड़ी अच्छी गई उनकी, इनकाउंटर आ रही है, जट इन लव आ रही है उनकी, जिद्दी राणा में बड़ा अच्छा रोल किया है। ओवरऑल ये फिल्म बहुत अच्छी जाएगी। लाडो रानी का जो टाइटल रोल है बड़ी मंझी हुई फनकार है हमारी फैसलाबाद की, और जो इसमें टाइटल रोल कर रही है। अच्छा साहब, आप ये इसकी जो पहली शूटिंग है जी जी, वो कब और कहाँ रख रहे हैं? इंशाल्लाह ताला जी पहली फिल्म जो इसकी शूट है वो 10 तारीख को करने जा रहे हैं हम, 10 अप्रैल को। और किस जगह पे? ये शबाजपुरा पिंड है जी एक हमारा, वहाँ पे जो हमने लाडो रानी का घर दिखाया फैसलाबाद में, ये ज्यादातर फिल्म बनेगी फैसलाबाद में जी। तो ये थे हमारे साथ इस फिल्म के डायरेक्टर साबर अशरफ साहब, जिन्होंने बताया कि वो 10 तारीख को पहला शूट कर रहे हैं यहाँ शबाजपुर में। तो इसी के साथ हम इजाजत चाहते हैं। टीवी 99 रियाज अंजम के साथ